हे गाइस, वेलकम बैक। और आज हम दोबारा से खेले जा रहे हैं गैंगस्टर वेगस। एंड फाइनली गाइस, ये हमारा गैंगस्टर वेगस का होने वाला है एपिसोड नंबर 6। तो गाइस यार, जैसे कि आप सभी ने हमारे पिछले एपिसोड में देखा होगा, जहाँ पर हमने फ्रैंक का पूरा कंस्ट्रक्शन साइट को तबाह कर दिया था, जिससे जो है फ्रैंक काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। एंड फाइनली यहाँ पे मेरे को कैरिन का कॉल आया था, इस बार ये जो हम फ्रैंक को इतना ज्यादा दर्द देने वाले कि उसके पूरे दिल में लगेगी, तब जो है ना गाइस वो डायरेक्ट हमसे फाइट करने के लिए आएगा। तो अभी जो है ना गाइस, हमारे दिमाग में काफी खतरनाक प्लान चल रहा है। So, उसके लिए मेरे को कैरिन से मिलने जाना होगा। सो फाइनली यार, यहाँ पे हम लोग उस लोकेशन में पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमें मिलेगी कैरिन। एंड कैरिन जो है ना गाइस, हमें पूरे का पूरा प्लान बताएगी कि आगे हमें क्या क्या करना है। तो गाइस यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जो भी हमारे इस वीडियो में नए, जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज गाइस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड फाइनली गाइस, यहाँ पे मैंने जेसन ने कैरिन से पूछा क्या प्लान है। एंड कैरिन ने जो है ना जेसन को बताया, इस बारी जो है हम फ्रैंक के दिल में हर्ट करने वाले, क्योंकि गाइस इस वाली वीडियो में जो है ना हम फ्रैंक के कैसीनो को लूटने वाले। तो आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि फ्रैंक को जो है ना अपना कैसीनो बहुत ज्यादा पसंद था। मतलब यार, उस कैसीनो के लिए वो जो है ना कुछ भी कर सकता था। एंड फाइनली आज जो है हम उस कैसीनो को लूटेंगे, एंड तब जाके देखना गाइस फ्रैंक डेफिनेटली काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। तो अब जो है ना गाइस, हम लोग फटाफट से ऐसे करते ना, यहाँ पे से निकलते हैं सीधा फ्रैंक के कैसीनो में। ओके, तो लेट्स गो। अभी जो है ना हम लोग फटाफट से चलते हैं एंड मिलते हैं गाइस सीधा आपसे जब हम फ्रैंक के कैसीनो में पहुंचेंगे। वैसे रात हो रही है लास वेगास में, मौसम काफी ज्यादा सुहाना है। इतना अच्छा मौसम यार कभी मेरे को लगा नहीं, क्योंकि यार आज जो है ना काफी खतरनाक सीन करना हमें। ओहो, क्या ही ड्रिफ्ट मारा, मजा आ गया ड्रिफ्ट देखते ही। ओके, सो लेट्स गो। वैसे कैसीनो ज्यादा दूर नहीं है, काफी ज्यादा क्लोज है भाई। आज तो जो है ना तुम्हारा भाई ड्रिफ्ट काफी खतरनाक मार रहा है। तो लगभग गाइस हम लोग कैसीनो ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं भाई। ठुक गया था अभी, बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ। अगर गलती से किसी को मार दिया ना, डेफिनेटली पुलिस अपने पीछे पड़ जाएगा। सो उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगा। अभी जो है ना आराम से चलते हैं सीधा कैसीनो पहुंच के, कैसीनो को लूटने के बाद हम लोग यहाँ पे से भागने का ट्राई करेंगे। डेफिनेटली मुझे लग रहा है फ्रैंक ने वैसे कैसीनो में काफी ज्यादा गार्ड्स वगैरह रखे होंगे, तो वहां पे काफी ज्यादा गैंग बैंग होने वाला है। मतलब पूछनी, मैं बता नहीं सकता आपको कितना गंदा फाइट वहां पे होगा। ओके गाइस, हम लोग यहाँ पे कैसीनो में पहुंच चुके हैं। एंड यहाँ पे जितने भी गार्ड्स हैं ना, जिनके पास गन्स है, हमें उन्हें मारना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा फ्रैंक का कैसीनो है। तो यार देखो, अभी जो है ना हमें इस कैसीनो के मैनेजर को किल करना है, क्योंकि मैनेजर से जो है ना हमें इस कैसीनो को कैसीनो की लॉकर्स की की मिलेगी, तभी जो है हमें इस कैसीनो से अंधा पैसा मिलने वाला है। तो लेट्स गो यार, अभी सबसे पहले तो इनको बचाता हूँ, जितने भी इसने गार्ड्स रखे हुए हैं ना मैनेजर को बचाने के लिए। तो एक एक करके हमें सबको मारना पड़ेगा, एंड उसके बाद हम लोग मारेंगे सीधा मैनेजर। अबे किधर? ओके, लगभग हमने पूरा एरिया तो क्लियर कर दिया। अभी जो है ना धीरे धीरे करके हम मैनेजर की तरफ बढ़ते हैं, एंड मैनेजर के साइड में भी काफी ज्यादा गार्ड्स है। एंड कुछ गार्ड्स को कैरिन मार रही है, कुछ को मैं मार रहा हूँ। अभी दो बचे हुए, इनको फटाफट से मारो, मेरे पास एसएमजी है। इजीली गाइस, इजीली हमने इनको खत्म कर दिया। अभी जो है ना हमें ऊपर चलना है एंड सीधा मैनेजर को बजाना है। ओके, मुझे लग रहा था यहाँ पे भी है, पर यहाँ पे है नहीं। अभी इनको मारो, एंड बस थोड़े से दूर है मैनेजर। चल भाई, तू भी गया। ओके, सो अभी जो है ना लेट्स गो गाइस, हम डायरेक्ट जो है ना मैनेजर के ऑफिस में चलते हैं। अबे मैनेजर ने भी गार्ड छुपा के रखे हुए, चलो इनको मारो फटाफट से। मैनेजर को नहीं, पहले इसको मार भाई। ओके, सो अब जो है ना डायरेक्ट मैनेजर को मारते हैं। ओके गाइस, लॉकर की तो मिल चुका है अपने को। अभी जो है ना सबसे पहले तो हमें इसके लॉकर में जाना पड़ेगा, पर लॉकर में जाने से पहले इनको भी बजाते हैं। तो भाई जितने भी गार्ड्स इस वाले कैसीनो में थे, सबको तो हमने यहाँ पे बजा दिया है। अभी जो है ना हम लोग फटाफट से लॉकर में निकलते हैं, एंड लॉकर में देखते हैं गाइस कितना पैसा हमें मिलने वाला है। ओके, यहां से तो रास्ता नहीं है, लगता है जिधर से कैरिन गई है उधर से जाना है अपने को। ओके, सो ऐसे करते हैं, हम लोग यहाँ पे से निकलते हैं। ये रहा गाइस मेन रास्ता, देखो खूफिया रास्ता है। अबे यहाँ पे भी गार्ड्स हैं,
मतलब बॉडीगार्ड यार पैसे बचाने की तैयारी में, पर तुम बच नहीं सकते अपने से। कैरिन यहाँ पे आई है और कैरिन को नहीं मारा उन्होंने, वो मेरे को मारने आ रहे, बेशरम। Now comes the easy part. तो देख Let's सकते हो गाइस क्या ही गजब का नोटों की खान लगी हुई है यार, खाई लग गई नोटों में। और गोल्ड, ओ भाई साहब कितना पैसा है। अब कैरिन जो है ना गाइस यहाँ पे से पूरा पैसा यहाँ पे से ट्रांसफर कर रहे हैं, एंड जैसे हम लोग वो कर रहे थे ना तब तक यहाँ पे आ चुकी है पुलिस, मतलब फ्रैंक के जो अंडर काम करती है पुलिस वाले, वो उसका पैसा बचाने आई है। पर कोई टेंशन नहीं गाइस, हम लोग इन पुलिस वालों को मारते हैं, यहाँ से जितना पैसा हम लोग लेके जा सकते हैं सारा का सारा लेके भाग जाएंगे। चलो भाई सारे के सारे पुलिस वालों को तो बचा दिया अपने। कैरिन लूट गया क्या? लगता है लूट लिया कैरिन ने। अभी जो है ना हमें फटाफट से यहाँ पे सब भागना है। लेट्स गो गाइस, अभी हम लोग निकलते हैं। तो ओके गाइस, 3 स्टार की पुलिस आ चुकी है, सो हमें गाड़ी पे बैठ के सीधा निकलना पड़ेगा। भाई 3 स्टार की पुलिस से बचना गाइस कोई नॉर्मल बात नहीं है, समझ लीजिए आपके पीछे कमांडोज लगेंगे, तो उनसे बचना यार काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। मुझे लगता है ये कैसीनो के बाहर पुलिस है काफी ज्यादा। सो हम लोग फटाफट से गाड़ी पे बैठेंगे और यहां पे से निकलने का ट्राई करेंगे। लेट्स गो। मैं बोला था ना गाइस, देख लीजिए कितनी सारी गाड़ियां आ रही हैं यहां पे। भाई दरवाजा खोल, बैठ। ओके हम लोग गाड़ी में तो बैठ चुके हैं, फटाफट से बैक गियर मारो और निकलो यहां पे से। तो भाई यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं, एंड यहाँ पे गाइस एक गलती होगा, मैं पुलिस वाले को अपनी गाड़ी से ठोक दूंगा। भाई पुलिस वाले अभी भी अपने पीछे हैं। ओप नहीं, ओके चलो कोई टेंशन नहीं। तो भाई पुलिस वालों से हम इजीली एस्केप कर चुके हैं, एंड अभी अपने को कैरिन को ड्रॉप करना है कैरिन के घर में, एंड उसके बाद जो है ना हम लोग चलेंगे सीधा वेरा से मिलने के लिए। भाई बोला था ना मैं पुलिस वाले से ठुकेगा। अब 1 स्टार की पुलिस पड़ चुकी है अपने पीछे, सो हमें उनसे तो इजीली बच जाएंगे, उनसे कोई टेंशन नहीं। तो हम लोग कैरिन को यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, एंड उसके बाद जो है ना गाइस हम लोग निकलेंगे सीधा वेरा से मिलने के लिए, क्योंकि अपने को वेरा का कॉल आया था कि तुमने जो है ना काफी बढ़िया काम करा कैरिन के साथ मिलके, जेसन फ्रैंक का तुमने पूरा कैसीनो लूट लिया है, अब ऐसे करते हैं ना हम लोगों ने काफी अच्छा काम करा है, क्यों ना एक पार्टी करने के लिए चलते हैं सीधा उसमें पब में। तो यार जैसे हम लोग पार्टी करने गए ना, वहां पे एक काफी गजब का सीन होगा, यहाँ पे जो फ्रैंक है उसे पता चल जाएगा जेसन कैरिन एंड वेरा जो है यहाँ पे पार्टी करने के लिए गए, एंड वहाँ पे जो है ना गाइस फ्रैंक अपनी पूरी की पूरी टीम लेके आ जाएगा हमको मारने के लिए, एंड वहाँ पे जो है ना गाइस हमारे साथ से कैरिन जा चुकी है, क्योंकि कैरिन को जो है ना काफी गंदी चोट आई है गाइस। तो चलो अभी हम लोग फटाफट से चलते हैं। ओके मैं पहुंच गया हूँ। तो ये रहा गाइस वेरा का कैसीनो। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पार्टी वगैरह कर रहे थे, एंड यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ड्रिंक वगैरह किया, एंड जैसे गाइज हम लोग मजे कर रहे थे तब तक आ चुका था यहाँ पे फ्रैंक, एंड वहाँ पे गाइज काफी गंदा गैंग वार होगा, तो सेलिब्रेट कर रहे हैं काफी गजब तरीके से। कैरिन बोल रही है हम लोग ओवर बजट हो चुके हैं अब और पार्टी नहीं, और जैसे ही गाइस यहां पे कैरिन ने बोला ओवर बजट, देखो यहां पे फ्रैंक आ चुकी है एंड फ्रैंक की पूरी टीम। तो मुझे लगता है यहां पे काफी गंदा सीन होगा अभी। तो जेसन ने वेरा एंड कैरिन से बोला तुम यहां पे से निकलो एंड मैं उनको कंट्रोल करता हूं। तो देखो यार यहाँ पे से वो तो जा चुके हैं, एंड अभी जो है ना हमारे पास जितनी भी बुलेट्स वगैरह बची हुई हैं हम फ्रैंक के बंदों को मारने का ट्राई जरूर करेंगे। ओके सो वो हमें अपने पास बुलाने लगी है, तो चलो यार यहाँ पे से हम लोग फटाफट से भागते हैं, कैरिन एंड वेरा के पास चलते हैं जो कि काफी अच्छा कवर में है। तो लेट्स गो यार फटाफट से चलो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, डेफिनेटली आज कुछ गलत सीन होने वाला है अपने साथ।
भाई साहब बच गए, बहुत बुरी तरीके से बचे गाइस। ओके चलो बचाते हैं फटाफट से। अरे इन्होंने गाइस बैरल के पूरे पूरी कॉल्ड वो अल्कोहल गिरा दिया। ओह वेरा को गाइस काफी गंदा गुस्सा आ चुका है कि वेरा के सारे के सारे बियर्स गिर चुकी है नीचे। हाँ देखो जेसन कहाँ बैठा हुआ है? नहीं फ्रैंक है आई थिंक। ओके फ्रैंक है। Johnny was whacking nowhere twats like you. भाई साहब कितने सारे आ चुके हैं गाइस यहां पे। लगता है बुलेट से तो नहीं मार पाऊंगा, मुझे ग्रेनेड चाहिए होंगे। और मैंने ग्रेनेड वगैरह बाय भी नहीं किए हैं भाई, अब तो गन से ही मारना पड़ेगा इनको। भाई एक एक करके इनकी पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है, कम नहीं हो रही है। तो भाई यहाँ पे बाद में जो वैरा थी उन्होंने बोला मेरे पास एक प्लान है, मैं तुम्हें ग्रेनेड देती हूँ, तुम ग्रेनेड से इनको मार सकते हो, तो मारने का ट्राई करो। ओके सो अभी जो है नाम ग्रेनेड फेंकते हैं। ओ, काफी ज्यादा इनके फ्रैंक के बंदे चुए ना यहाँ पे मारे जा चुके। अभी जो है ना हमें भी ग्रेनेड फेंकना है, पर ग्रेनेड की लोकेशन ज्यादा दूर नहीं जा रहा है, बस इतना ही पहुंच पा रहा है। देखो वो तो मर नहीं रहा है ग्रेनेड से। हाँ गाइज नहीं मर रहा है ग्रेनेड। अबे मर ना बे, वहां तक पहुंच ही नहीं रहा है गाइज ग्रेनेड। लगता है गन से ही मारना पड़ेगा अभी। चलो हम लोग गन से ही मारते हैं। इसको नहीं मारना, मुझे लगता है किसी और को मारना है। किधर है भाई वो, किसको मारना है ग्रेनेड से देखना पड़ेगा अभी। ओके लगता है इसको ग्रेनेड से बचाना है अपने को। हाँ गाइस मैं समझा। ओके सो फाइनली यार मैंने उसको ग्रेनेड से बचा दिया है। एंड अब जो है गाइस यहाँ पे काफी गंदी फाइट होने लगी है। एंड और कैरिन में गाइस गोली लगी। तो फ्रैंक जिशन ने बोला कैरिन को लेके, वेरा तुम जाओ यहाँ पे से, मैं इन्हें कंट्रोल करता हूँ। एंड बाद में जो है गाइस यहाँ पे काफी गंदा गन फाइट होने लगा। फाइनली जिशन ने यहाँ पे जो है ना आरपी का यूज करके, फ्रैंक ने आरपीसी का यूज करके जेसन को जो है ना गाइस अपने कंट्रोल में ले लिया। एंड उसके बाद जो है ना ये तो गाइस कुछ गलत सीन हो गया। बस वेरा एंड कैरिन जो है ना यहाँ पे सब भाग जाना चाहिए। भाई 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 काफी गलत सीन है। भाई गया गया गाइस फ्रैंक गया, जेसन गया, जेसन गया। अब क्या सीन होगा देखना पड़ेगा भाई। और किडनैप करके ले गया अपने ज्ञान। I want you to know something, Jason. I am an empathetic soul. Okay. Your little thing with Vera's crew, trying to start a little revolution, a little uprising. I don't blame you. You're young and dumb. अच्छा. Hell, I'd be willing to let the whole thing slide if it was just you and me. Unfortunately, okay. If I do that, other guys, they might get the wrong idea. Get to thinking, what's to stop me from making a run at the throne? You know what I mean, Jason? Fuck you, Frank. Guys, yahan dekho. Jason kya bolta hai? Fuck you, Frank. Oh, bhai sahab. Boys! You cost me big, Jason. So here's what's gonna happen. If you're able to walk out of here, you're gonna work for me. You're gonna work. अच्छा गाइस अगर मैं इनको मार दूंगा ना तो फ्रैंक को जो है इनके लिए काम करना पड़ेगा। आई मीन जेसन को फ्रैंक लिए काम करना पड़ेगा। तो फटाफट से जो है ना हम इनको बजाते हैं भाई। I'll leave them alone, but fall out of line. Do something I don't like. अरे भाई इजीली मार दिया, इजीली. You're dead. I didn't knock that guy out on purpose, Frank.
Well, he went down. That's all that matters to me. Are we understanding each other? You work for me now, Jason. I own you. तो भाई मुझे लगता है फ्रैंक काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि हम लोगों ने फ्रैंक का ना काफी गंदा नुकसान किया. एंड फाइनली फ्रैंक ने बोला भाई जेसन से पंगा लेके कोई फायदा नहीं है, इसको अपने अंडर में कर लो तो ये अपने के लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा. तो फाइनली गाइस आज की वीडियो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी. अब नेक्स्ट वीडियो से जो है ना हम लोग काम करने वाले फ्रैंक ले, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया होगा. तो चलिए गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, लव.